तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं कच्चे केले का चिप्स। ये देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है देखने में, और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं केले का चिप्स बनाना। इसके लिए मैं मार्केट से कच्चा केला लेकर आया हूँ, और इसे अच्छे तरीके से आप धुल लें। धोने के बाद आप केले के छिलके को अच्छे तरीके से चाकू की सहायता से या छिलनी की सहायता से अच्छे तरीके से छिलके को उतार दें। जब केले का छिलका अच्छे तरीके से उतर जाए तो आप इसका चटनी भी बना सकते हैं, क्योंकि कच्चे केले के छिलके का चटनी काफ़ी टेस्टी होता है। आप इसे उबालकर बना सकते हैं, वो मैं दूसरे रेसिपी में आपको बताऊंगा। तो देखिए फाइनली मैं यहाँ पे दो केले को अच्छे तरीके से छील लिया हूँ। आप इसे चिप्स कटर की सहायता से चिप्स का शेप दे 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 चिप्स कटर में अच्छे तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से चिप्स का शेप दे दे, जैसे कि मैं दे रहा हूँ। देखिए कितना अच्छा शेप आया है चिप्स का, केले का, कच्चे केले का चिप्स का। अभी ये कच्चा है, इसे मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा। इसके लिए मैं पहले से ऑयल को गर्म होने के लिए दे दिया था, और ये देखिए मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, और मैं केले के चिप्स को अच्छे तरीके से उसमें डाल दिया हूँ। इसे मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे अच्छे तरीके से फ्राई करें। अगर फ्लेम ज़्यादा होगा तो ये सिर्फ लाल हो जाएगा, अंदर से नहीं पकेगा, इसलिए आप इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से पकाएं, और बीच बीच में इसे छलनी की सहायता से ऐसे करते रहें ताकि ये सब साइड से पके। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना, तेज़ फ्लेम पे ये जल भी सकता है और अंदर से कच्चा रहेगा। ये फाइनली देखिए हाफ मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से ये फाइनली मेरा फ्राई हो चुका है। अब इसे सर्व करता हूँ, इसमें मसाला ऐड करता हूँ। फ्राई जो हो चुका है उसे अलग कर ले, और इसमें मिर्च पाउडर डालें, और आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और नमक स्वाद अनुसार डालें। मैं यहाँ पे चिकन पाउडर का यूज़ किया हूँ। अच्छे तरीके से इस मसाले को चम्मच की सहायता से मिक्स कर दें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। फाइनली ये मसाला रेडी हो चुका है, और इसमें जो चिप्स जो मैं फ्राई करके रखा हूँ उसे इसमें डाल दिया हूँ। अच्छे तरीके से आप इसे मिला लें ताकि नमक और मसाला अच्छे तरीके से चिप्स में मिक्स हो जाए। फाइनली ये देखिए मैं इसे अच्छे तरीके से मिला रहा हूँ। आप चाहें तो ऊपर से भी इस मसाले को छिड़क सकते हैं, और ऊपर से काला नमक भी छिड़क के इसे खा सकते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी बना है, क्योंकि ये मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे फ्राई किया है। और फाइनली ये मेरा चिप्स बन के तैयार है, और अब मैं इसे सर्व कर रहा हूँ। आप इसे बनाकर अच्छे तरीके से रख देंगे पैकेट डिब्बा बंद करके, तो आप महीने दो महीने तक आराम से खा सकते हैं, और मेहमानों को भी खिला सकते हैं, और सैटरडे को भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं खिचड़ी के साथ चिप्स के रूप में। फाइनली देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में मेरा चिप्स, और ये चिप्स के लेके बनकर तैयार है।